तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर आर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। फ्रेंड, तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के यहाँ पर डालेंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, तो जैसे कि भारत इज माई होम है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देख लीजिए, इसको क्रॉप कर देना है इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर ये देख लीजिए गो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे ढूंढ के ये दे देगा। ये देख लीजिए, जाकिर हुसैन ने लिखा था ये भारत इज़ माई होम, और ये देख लीजिए जो भी है। और मैं और भी कुछ सर्च करिए, जैसे कि ये रैम रोम है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको सर्च करके बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं है, तो ये देख लीजिए तब भी यहाँ पर आंसर यहाँ पर कैच कर रहा है ये। तो ये देख लीजिए रैम रोम यहाँ पर मैंने सर्च किया, और ये देख लीजिए इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे मैथ हो या किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। अब बता तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, और यहाँ पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। फ्रेंड, आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है, और प्ले स्टोर में आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, ये देख लीजिए ये देख लीजिए स्पेलिंग, आपको यही सर्च करना है, और ये गूगल का है, देख लीजिए सोक्रेटिक बाय गूगल, ये देख लीजिए गूगल का है, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। और ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है फ्रेंड, आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कहीं भी हो, आसानी से आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें विकीपीडिया, कोरा और बहुत से वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का। तो जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन के। तो यही बताने वाला था आज की वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, और जाते जाते एक बात और बता दूँ, मैं भूल गया था, आपको जब डाउनलोड करेंगे इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको पहली बार साइन इन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये पास ईमेल आईडी, जीमेल अकाउंट होने चाहिए, जो प्ले स्टोर में होगा आपका वही जीमेल आईडी होना चाहिए, और उसी से आप साइन इन कर लेना। तो मैंने पहले कर लिया था, तो यहाँ पर नहीं।